Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 9, grammar, chapter 3, Abhyas 3, Kriya Padani में हम पहले वर्तमान काल के बारे में देखेंगे, उसके बाद भविष्य काल और उसके बाद हस्तांतरित काल के बारे में हम इसमें समझेंगे। अभ्यास नंबर 3 क्रियापदानी वर्तमान का लट लकार। इन क्लास 8 एज वेल एज इन द रिवीजन ऑफ द अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न द प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब गुड इन दैट कॉन्टेक्स्ट योर अटेंशन यू ड्रॉन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट अतिशा पठति, सेकेंड तोषा नुत्यति, थर्ड तीसा लिखति, फोर्थ हार्थी पुंजति। तो आपने वर्तमान काल रट लगाने के बारे में इस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और मैंने आपको अभ्यास नंबर 1 में भी आपको पढ़ाया है। तो जहाँ पर टी लगता है वो वर्तमान का अन्य पुरुष एकवचन के पते हैं। इन ऑल द फोर सेंटेंस अबाउट द वर्ड्स गुड हैव बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस इन द एंडिंग ऑफ द ऑफ ऑल द रूट्स द सफिक्स टी इज कॉमन बट द वोवल साउंड बिटवीन द रूट एंड द सफिक्स इज डिफरेंट इन ईच केस। फॉर एग्जाम्पल इन पठाटी इट इज पट डेस अ डेस टी हैज अ वेल इन टेटी नूट डेस य डेस टी इट इज य इन द सेम मैनर्स इन लिखटी लिखर डेस अ डेस टी इट इज अ वेल इन द पूजर पू डेस ऑय डेस टी इट इज ऑय। द वोवल साउंड डेट कम इन बिटवीन आर कॉल्ड द कंजेक्शन ऑफ ऑफिक्स द साउंड आर डिफरेंट बिकॉज देर आर डिसेड ऑन द ग्रुप टू वी द रूट बिलोंग इन संस्कृत। ऑल द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज आर डिवाइड इन टू 10 गाना। फॉर ईच ऑफ 10 डिस द सफिक्स इज डिफरेंट हियर यू विल बी डॉट द सफिक्स ऑफ ओनली 4 ऑफ द गाना वर्स 4, 6, and 10। सो यू मस्ट नाउ रिमेंबर द सफिक्स ऑफ 10 फोर गाना। फॉर एग्जाम्पल द सफिक्स ऑफ द फर्स्ट गाना इज अ of the fourth it is ya the sixth it is a and of the ten it is I। तो इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल द सफिक्स ऑफ द फर्स्ट गाना इज अ ऑफ द फोर्थ इज य ऑफ द सिक्स इट इज अ एंड ऑफ द टेन इट इज आई। जो नीचे से आपको मैंने जो दोबारा लाइन पढ़ा है उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो फोर सेंटेंसेस में वर्तमान काल के दिए गए तो लास्ट में टी लगता है तो ए में वर्तमान काल अन्य पुरुष के रूप है प्रत्यय लगता है। जैसे कि पट है पथटी है तो पट डेस अ डेस टी मतलब कि इसमें ऑय लगता है अ लगता है। और नुट्यटी में जैसे कि नू डेस य डेस टी मतलब कि य जो बीच में जो आता है य मतलब कि य वर्ण होता है। द मैन तो इसमें लिखटी तो लिख में भी है ऐसा ही दिया गया है कि लिख में है लिख डेस और डेस टी तो ऐसे ही पूजटी में पू डेस और डेस टी लिखा है। मतलब कि जो आता है जो इसमें जो वर्ण अ है य है अ है और ऐ है उसको वर्ण ध्वनि के प्रत्यय कहते हैं। जो विकरण प्रत्यय के धातु अलग अलग होते हैं संस्कृत भाषा में अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसको 10 गण में विभाजित किया गया है तो 10 गण में विकरण प्रत्यय अलग अलग है। तो हमें यहाँ पर हमें फर्स्ट 4, 6, और 10 गण के बारे में सीखना है और समझना भी है। तो इस जो चार और गण के विकरण प्रत्यय है इसमें जैसे फर्स्ट गण में अविकरण प्रत्यय लगता है, फोर्थ गण में य विकरण प्रत्यय लगता है, सिक्स गण में अ लगता है और 10 गण में अ लगता है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट गण में अविकरण प्रत्यय है और सिक्स गण में य विकरण प्रत्यय तो ये है सिक्स गण में सेम लगता है। तो ये सिक्स गण में अविकरण प्रत्यय लगता है तो कभी चेंजेस होता है कभी चेंजेस नहीं होता है। तो आपको व्हेन यू लुक एट दिस यू कम टू नाउ दैट फर्स्ट व्हेन इवन यू यूज द ए रूट एज द वर्ब यू हैव टू एड द करेक्ट सफिक्स एंड सेकंड वैन एवर यू हैव टू एडिट द सफिक्स यू हैव टू रिमेंबर द टेंस द गाना ऑफ द
root phrase person and number. And now read the few more sentences. First, Vidya Sukhi Labhate. Second, Balakah Hastena Khadati. Third, Sisu Madara Vandati. The words that have been used in this sentence are in the present tense, third person and singular. Moreover, the roots of all the verbs belong to that first gana inscribed of that the suffix at the end of the sentence and end tree is te. Will that at the end of sentence two is te. Remember the difference in the suffix. In the days where the suffix is te, the root is the parasaipada, and where the suffix is te, it is the atmane pada. तो इसमें समझाया गया है कि ये दो सेंटेंस दिए गए, इसको हमें याद रखना है कि जब धातु धातु को क्रियापद, धातु में मतलब जो धातु उसको क्रियापद के नाम से पहचाना जाता है, तो धातु है धातु हर एक पत्ते पत्ते के साथ जुड़ा रहता है. सेकंड है कि जैसे कि ऐसा प्रत्यय लगता है तब धातु के गण कार पुरुष और वचन से चार बाबत फोर सेंटेंस को याद रखना है. क्या क्या याद रखना है? धातु का गण है, काल है, पुरुष और वचन, ये चार बाबत को याद रखना है. धातु मतलब कि जो कुरु धातु पथर धातु पद धातु लगता है, काल मतलब कि जो वर्तमान काल है, भविष्य काल है, या तो भूतकाल है जैसे कि काल लगता है, कि पुरुष मतलब कि कौन सा पुरुष लगता है, और पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, मतलब वचन याद रखना है कि एक वचन, द्विवचन या बहुवचन रखना है. तो जैसे कि हमको जो सेंटेंस दिया कि विद्या सुखी न लभते, बालक हस्ते न खादति और शिशु मातरा वंदने, मतलब कि जो क्रियापद है वो अलग अलग है. इसमें वर्तमान का जो इसमें है वर्तमान का जो सब सेंटेंस है वर्तमान का अन्य पुरुष एक वचन के हैं. तो इसमें क्रियापद की धातु में फर्स्ट गण लगता है, जैसे कि प्रथम मतलब फर्स्ट और थर्ड में है जो मालास्त में ते लगता है, तो वो है अद्वितीय माध्यम में ती लगता है. जैसे कि जो ते लगता है वो आत्मने पद का है, और जो ती लगता है वो वर्तमान का अन्य पुरुष एक वचन का है. इसमें परस्मै पद, आत्मने पद और उभय पद के बारे में समझाया गया है. तो है इन आत्मय पदाशेम वर्ड्स हैव यू पा परस्मै पदाशेपक सुखवेल सम हैव यू द आत्मय पदाशेपक दोस रूट्स बीच टेक्स द परस्मै पदाशेपक आर कॉल्ड परस्मै पदा रूट एंड दिस द टेक द आत्मय पदाशेपक आर कॉल्ड द आत्मय पदा रूट देर आर द सेम वर्ड्स बीच कैन हैव वर्ड द परस्मै पदा एंड वे आत्मय पदाशेपक सच रूट are called by padarus. They occurs for every words in the present tense depending on the whether the root is parasmai pada or atmai pada. The suffix is the attached to the suffix of the parasmai pada and atmai pada are given. तो इसमें है आपको बताया गया कि परस्मै पदा, आत्मय पदा और उभय पदा के बारे में समझाया गया है. तो इसके जो प्रत्यय है जो वेद लगता है उसको याद रखना है. इसमें जो ती प्रत्यय लगता है मतलब कि परस्मै पद है, मतलब कि जब ते लगता है तब आत्मा पद, ती लगता है तो परस्मै पद आता है और ते लगता है तो आत्मा पद लगता है. इसमें कितने ऐसे धातु परस्मै पद है ना प्रत्यय लग रहा है, जैसे कि कितने धातु इसको आत्मा पद का प्रत्यय लगता है, और जो जिस धातु को परस्मै पद के प्रत्यय लगते हैं उसको परस्मै धातु कहते हैं, और जो जो धातु को आत्मय पद के प्रत्यय लगते हैं उसको आत्मय पदे धातु कहते हैं. और है जो धातु और परस्मै पद और आत्मय पद है दोनों को प्रत्यय लगता, मतलब कि जो परस्मै पद का भी लगता है और आत्मय पद का भी लगता है, वो ऐसे धातु को उभय पदी धातु कहते हैं. मतलब कि जो जब परस्मै पदी धातु मतलब कि ती लगता है तो ती आता है तो परस्मै पद धातु लगता है, मतलब ते आता है तो आत्मय पद लगता है, मतलब कि जिसमें परस्मै पद प्रत्यय लगता है उसको परस्मै धातु कहते हैं, और जब ते
जब आत्मनिर्भर धातु का उपयोग किया जाए तो आत्मनिर्भर नहीं, मतलब जिसमें परस्मै पद आत्मनिर्भर पद मतलब दोनों धातुओं का उपयोग करता है उसे उभयपद धातु कहते हैं। तो आपको ये अंडर लाइन ये याद रखना है कि परस्मै धातु किसे कहते हैं, आत्मनिर्भर धातु कहते हैं, उभयपद धातु किसे कहते हैं। और इसमें दरेक मतलब कि वर्तमान काल के क्रियापद की जो धातु है परस्मै धातु है तो परस्मैपरि धातु और आत्मनिर्भर धातु आत्मनिर्भर प्रत्यय पड़े। तो इसमें जो आपको जो टेबल याद रखना है वो आपको याद रखना है। सीपक्स ऑफ वर्तमान काल परस्मै पदा परस्मै पद सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन मी वह वह मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन सी था अन्य पुरुष थर्ड पर्सन ती था अंतिम। तो ये वर्तमान काल में परस्मै पद के टेबल है जो मैंने अभ्यास नंबर वन में भी आपको मैंने सिखाया था। सीपक्स ऑफ वर्तमान काल आत्मनिर्भर पदा मतलब कि आत्मनिर्भर इसमें सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन ई वही मही मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन से इथे द्वे अन्य पुरुष ते इते अंते मतलब कि अन्य पुरुष में जो ते इते अंते होता है। अब उत्तम पुरुष में जो ई है उसका जो ऊपर ई का ई नहीं होता उसके ऊपर मात्रा लग जाती है वही मही से इथे द्वे ते इते अंते। तो आपको ये दोनों टेबल लर्न बाई हार्ट करना। इन शॉर्ट फॉर वर्ड्स इन द प्रेजेंट टेंस आर देयर थ्री पार्ट्स रूट प्लस सीपक प्लस बिकॉज सीपक देयर फॉर वेन एवर यू वॉन्ट टू फॉर्म अ वर्ड्स इन प्रेजेंट टेंस ऑफ एनी रूट यू मस्ट फर्स्ट टेक द रूट देन एट द सीपक ऑफ द वर्ड टू विच इट बिलोंग एंड देयर अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द स्पीकर द स्पीकर सीपक आत्मनिर्भर और परस्मै पद एज इफ इज मैनी बी इज स्पीकिंग विद द पर्सन एंड द नंबर डेट यूज द फॉर्म ऑफ सेम वर्ड्स विच हैव बीन द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स आर गिवन डू। तो इसमें कि आपको क्या याद रखना है कि वर्तमान काल में जो पहले धातु उसके बाद विकरण प्रत्यय याद रखना है और उसके बाद जो मूल प्रत्यय वो तीन भाग किए गए तो इसमें भी याद रखना है। तो क्या याद रखना है धातु उसके बाद विकरण प्रत्यय उसके बाद तीन विभाग किए गए। तो जो आपको धातु के ऊपर वर्तमान काल वर्तमान के क्रिया पद तो आपको वर्तमान काल का लेना है। जो धातु में जो कर्ण मतलब कि जो कर्ण का उपयोग किया है उसको विकरण प्रत्यय के साथ जोड़ना है मतलब कि जो वक्ता बोलता है तो उसके साथ जो पुरुष मतलब कौन से वचन का आता है वो आपको याद है मतलब कि आपको पहले क्या रखना है कि एक तो आपको क्रियापद का धातु याद रखना है उसके बाद विकरण प्रत्यय उसके बाद मूल प्रत्यय आपको याद रखना है। तो इसमें है कि द फिक्स रूल्स डेट यू हैव टू लर्न आर गण पद तो परस्मै में पट हास चल खेल भात पापी भंग गच्छ भूप दस पश्य सात स्वस मतलब कि ये सभी परस्मै पद के हैं। तो पट धातु से टेबल बनता है हास चल खेल भात पापी भंग गच्छ भूप दस पश्य सात स्वस। अभी आत्मा ने पढ़ता लव भास रम वन मोद सुख ये सब किसके हैं आत्मा ने पद के हैं। अभी फोर मतलब कि जो फोर गौण है तो इसमें नुद्ध है कृपा नुष क्रुदा निदहा ये परस्मै पद के हैं और आत्मनिर्भर पद के वीद क्रुदा मन युद ये फोर गण मतलब कि इसमें है क्या लगता है यह विकरण प्रत्यय सिक्स गण मतलब कि सिक्स में लिखा प्रवीश ये परस्मै पद के हैं और आत्मनिर्भर के मूल वच विदय शिप ये इसके हैं आत्मनिर्भर पद के हैं। और गण का टेन मतलब कर गण रज स्पुहन पूज मतलब परस्मै पद में भी आते हैं और आत्मनिर्भर पद में भी आते हैं। तो ये आपको लास्ट जो पैराग्राफ है उसको आपको लंबा याद करना कि कौन से में कौन सा धातु परस्मै पद का है प्रथम गण का है या फोर गण का मतलब चौथे गण का है या सिक्स गण का है या टेन गण का याद रखना मतलब फर्स्ट गण में यह विकरण प्रत्यय लगता है फोर में यह लगता है सिक्स में अ लगता है और टेन गण में आई लगता है।
आपने पता है कि फर्स्ट गण में भी अविक्रम प्रत्यय लगता है और सिक्स में भी विक्रम प्रत्यय लगता है। तो जो सिक्स गण में जो अविक्रम प्रत्यय लगता है उसमें कभी फेरफार होता है, कभी चेंजेस होता है, कभी चेंजेस नहीं होता है। तो आपको ये चार गण का विक्रम प्रत्यय याद रखना है। पार्ट टू स्टडी फर्स्ट गण मतलब कि पद धातु से जो परस्मै पद का टेबल बनता है वो है फॉर्म्स ऑफ द वर्तमान काल परस्मै पद है ना, परस्मै पद। तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन मतलब पद धातु का उपयोग करके इसमें टेबल बनाए थे। उत्तम पुरुष थर्ड पर्सन पद धातु तो पठामि पठावः ने पठामः, मध्यम पुरुष पठस्य पठतः ने पठत, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन पठती पठत ने पठन्ति। तो आपको अभी अच्छे से समझ के जो बीच में जो वर्ड्स है उसको आपको याद रखना है। तो इसमें प प्लस थ प्लस अ मतलब अ का उच्चारण लास्ट वर्ड में अ का उच्चारण हुआ है तो इसमें फर्स्ट विक्रम प्रत्यय फर्स्ट गण लगता है। तो मतलब फर्स्ट गण का विक्रम प्रत्यय क्या होता है अ। अभी हम लव लव से द फर्स्ट गण तो फॉर्म्स ऑफ द वर्तमान आत्मनेपद तो आत्मनेपद का आपको टेबल याद करना है। तो ई वही महे से अंतिम तो उत्तम फर्स्ट पर्सन लविंग मैंने आपको ई बता रहा है। ई इतना मतलब कि जो लव धातु है तो ई का ऊंचा मात्रा में हो जाता है लविंग लबा वहे लबा महे, मध्यम पुरुष लबा से लबे थे, जहाँ पर ई आता है वहाँ पर उसकी मात्रा पर चल जाए लब द्वे लबे ते लबे लबे ते ईते जाता है तथा ई की मतलब की बे पर मात्रा हो जाती है लबन दे। तो आपको अपने समझ में आ गया कि लबे लबा वहे लबा महे लबे से लबे ते ने लबे द्वे लबा ते लबे लबे ते ने लबे मतलब जो उत्तम पुरुष एक वचन में ई आता है उसकी वहाँ पर मात्रा हो जाती है। उसके बाद इथे मतलब मध्यम पुरुष में भी इथे तो ई के बाद मात्रा हो जाती है लभे ते तो इसमें लभे ते और अन्य पुरुष में सेकंड में तो इसकी भी इच्छा हो जाती है। तो आपको अच्छी तरह टेबल याद करना है। नुट मतलब कि टू डांस फोर गण फ्रॉम द वर्तमान काल परस्मै पद परस्मै पद एक वचन द्विवचन बहुवचन उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो नुत इसमें बीच में क्या यल नृत्यामि नृत्यावह नृत्यामह नृत्यसि नृत्यतः ने नृत्यथ अन्य पुरुष नृत्यति नृत्यतः ने नृत्यन्ति। आपको गण में कौन सा विक्रम प्रत्यय है तो फोर्थ गण में कौन सा विक्रम प्रत्यय लगता है य विक्रम प्रत्यय लगता है। वीत टू बी फोर गण तो फॉर्म ऑफ द वर्तमान काल परस्मै पदा तो इसमें है इसमें परस्मै पदा जो लिखा हुआ है नुत का है तो इसमें है कि विदे विदा वहे विदा महे विद से विद थे विद द्वे विद ते अने विदन ते। तो ये आपको याद रखना है कि विद धातु है तो विद प्रति विद धातु भी चेंज विद विदे हो गया विदा वहे विदा महे मध्यम पुरुष विद से विदे 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 विदंते अने विदंते। तो इसमें जो वर्तमान काल परस्मै पद है परस्मै पद नहीं आता इसमें आत्मनेपद पद है उस इसमें प्रिंट मिस्टेक हुई है तो विदे विदे है तो ये है वर्तमान विदे विदा वहे विदा महे विद से विदे ते विदे निधन ते। तो आपको बराबर रन बाई हार्ट करना है टेबल। आपको सिर्फ याद करना है कि गण में कौन सा विक्रम प्रत्यय लगता है। अभी हम सिक्स गण के बारे में समझेंगे। सिक्स मतलब कि अविक्रम प्रत्यय लगता है तो मैंने आपको बोला था कि सिक्स गण और फर्स्ट में ही प्रत्यय जो सिक्स में कभी चेंज होता है कभी चेंज नहीं होता। फ्रॉम्स ऑफ वर्तमान का परस्मै पदा एक वचन द्विवचन है बहुवचन उत्तम पुरुष लिखामि लिखावः ने लिखामः मध्यम पुरुष लिखसि लिखतः ने लिखतः अन्य पुरुष लिखति लिखतः ने लिखन्ति। वे मिल मतलब कि मिलना होता है तो मिल तो सिक्स करना फ्रॉम वर्तमान का आत्मनेपद है तो इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन उत्तम पुरुष मिलेगी मिला वहे मिला महे मिले से मिले थे मिले द्वे मिलते मिले ते मिलते। ये भी आपको सिक्स गण विक्रम प्रत्यय लगता है और इसमें देखना है कि आपको कौन कौन से धातु से जो प्रत्यय लगते हैं वो आपको लिखना है और याद भी रखना है।
कथ, कथ टू ऑल टू सिंग, टेन गाना। तो इसमें है टेन, टेन गण का उपयोग किया गया, कथ मतलब कहना होता है। तो इसमें हम वर्तमान का परस्पर एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, कथ्यामी, कथ्या वह, ने कथ्या माम, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, कथ्यसी, कथ्यथ, ने कथ्य था, अन्य पुरुष कथ्यति, कथ्यतन, कथ्यन्ति। तो इसमें अय विकरण प्रत्यय लगता है, टेन गण में कौन सा विकरण प्रत्यय लगता है, अय विकरण प्रत्यय लगता है। अभी कथ मतलब टू टेल, टू से मतलब कि इसमें वर्तमान काल में भी अच्छी लगता है और आत्मनिपथ में भी कथ धातु का उपयोग किया है। तो इसमें कौन वर्तमान का आत्मनिपथ एक वचन, द्विवचन, उत्तम पुरुष फल पसंद, कथे, कथिया वही, कथिया महे, मध्यम पुरुष सेकंड कथ्य से, कथ्य, कथ्य थे, कथ्य द्वे, पुण्य पुरुष कथ्यते, कथ इते, ने कथ्यन ते। तो इसमें कौन सा आत्मनिपद में लगता है कि आपको सिर्फ दो टेबल याद रखना है और गौण में कौन सा विकरण प्रत्यय लगता है, बस टेन गौण में अविकरण प्रत्यय लगता है। इन द एडिशन टू है अबाउट फ्रॉम, इट इज माई फ्रॉम, हैज टू बी आइडेंटिफाइड, वन विल हैव टू मेक अ क्लियर द फॉलोइंग फाइव पॉइंट रूट, गाना, टेंस, पैजन एंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू विश टू आइडेंटिफाई टू वर्ब्स फ्रॉम पठती, द रूट पार्ट फर्स्ट गाना पर प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर आर द फाइव पॉइंट्स विच क्लियरफाइड। द सेम फाइव पॉइंट्स हैव ऑल्सो टू बी कीप इन माइंड वेन यू हैव टू आइडेंटिफाई वर्ब फ्रॉम इन द पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो आपको ये फाइव पॉइंट याद रखना है कि जैसे कि पठ धातु लगता है, पठती क्रियापद है, तो आपको रूट पार्ट लगता है, फर्स्ट गाना लगता है, फिर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस लगता है, थर्ड पर्सन मतलब कि जो अन्य पुरुष एक वचन लगता है। तो आपको ये फाइव पॉइंट आपको याद रखना है। तो फाइव पॉइंट आपको फ्यूचर में भी याद रखना है और प्रेजेंट में भी आपको याद रखना है। तो जैसे कि पठ धातु प्रथम गण है, तो पठ धातु प्रथम गण है, तो मतलब अविकरण प्रत्यय लगता है। अभी हमको कार देखना है, तो कार में हम वर्तमान काल है, तो ती लगता है, ती मतलब कि अन्य पुरुष एक वचन। तो ये फाइव पॉइंट है, आपको क्लियर अपने माइंड में रखना है, फाइव पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, फर्स्ट हमको धातु, उसके बाद गण याद रखना है, वर्तमान काल और पुरुष और एक वचन, या तो जो भी वचन लगता है हमको याद रखना है। क्या याद रखना, फाइव पॉइंट, द रूट फर्स्ट गाना प्रेजेंट, और टेंस याद रखना है, पर्सन एंड सिंगुलर आर फाइव पॉइंट आपको प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर और पास्ट टेंस में याद रखना है। तो आपको अच्छी तरह ये वर्तमान काल के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।